अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, समय प्रमाण, अब अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि योग लगाने का संकल्प किया और स्थित हो गए। अर्थात बाबा कहा और योग लगा, यही है समीपता की स्थिति। फिर बाबा ने कहा, अब सर्विस बहुत बढ़ेगी, लेकिन जो आने वाले जिज्ञासु होंगे उनमें सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले नहीं होंगे। अब तीन क्वालिटी की आत्माएं आने वाली हैं। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वालों की, जो एकदम बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। और फिर दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वालों की। और तीसरी क्वालिटी में ऐसी आत्माएं होंगी जो केवल सेवा के संपर्क में रहना चाहेंगी। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे और ज्ञान का स्वरूप बनने वाले कम होंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं की बढ़ेगी, अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन आत्माओं को कोई एक बात ही अच्छी लगेगी, दो नहीं, यानी सब बातों में निश्चय नहीं होगा। बाबा ने कहा, जैसे जैसे समय नाजुक आता जाएगा वैसे परिस्थिति प्रमाण उन आत्माओं के लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना भी मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। परंतु ऐसा भी ना हो कि संबंध संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए उन्हें संपर्क से भी वंचित कर दो। ध्यान रहे, खाली हाथ कोई भी ना जाए। नियमों पर भले न भी चल पाए लेकिन वह सन्हे में रहना चाहें तो ऐसी आत्माओं का भी ध्यान रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह तीसरी स्टेज वाली आत्माएं हैं, फिर उन्हों को उसी प्रकार की हैंडलिंग देनी चाहिए। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।